ताला ने हमें चतराल के गरीब यतीम बच्चों की आला तालीम के सिलसिले में एक आइडिया दिया, बल्कि आइडिया ही नहीं दिया बल्कि वसाइल भी हमें प्रोवाइड कर दिया, वसाइल भी हमें दे दिया। और अभी तक हम मतलब सालाना कोई 100 से 100 50 से 100 तक कोई हम स्कॉलरशिप देते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियों में इंजीनियरिंग मेडिकल के यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देते हैं, हॉस्टल चार्जेस देते हैं, बाकी BS से PhD तक जो प्रोग्राम है 100 से 100 50 से 100 तक कोई हम स्कॉलरशिप देते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियों में इंजीनियरिंग मेडिकल के यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देते हैं, हॉस्टल चार्जेस देते हैं, बाकी BS से PhD तक जो प्रोग्राम है तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना रोल प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हिदायतुल्ला साहब जो रोज के चेयरमैन हैं, जिनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला है। बहुत सारी खदमात हैं हमें एजुकेशन के हवाले से। चित्राल में ऐसा कोई तालिब इलम जो फाइनेंशियल मसाइल की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं वहाँ तक पहुँचना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन हिदायतुल्ला साहब ने अपनी मेहनत और लगन से इस चीज़ को मुमकिन बना दिया। और आज अल्लाह के फजल करम से हमारे पूरे चित्राल के लिए फ़ख्र की बात है, उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी मिला है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आज सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपको बड़ा अवार्ड मिला। तो सर, आपको क्या कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, चित्राल के ऑडियंस को और बाकी जो हमारे देखने वाले हैं उनको? सर, आप मैसेज देना चाहेंगे, आपके व्यूज़ क्या थे जब यहाँ पर आपको अवार्ड मिल रहा था, आप क्या एहसास थे? सर, आपका शुक्रिया कि आप इधर आए और हमें जब नॉमिनेशन हुआ है प्राइड ऑफ पाकिस्तान को, तो 23 मार्च को हमें के उसमें 23 मार्च के प्रोग्राम में हमें बुलाया गया, बिठाया गया मखसूस रूप से। तो आपका शुक्रिया कि आप इधर आए और हमसे कुछ बातें करने के लिए। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, चित्राली कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने हमें चित्राल के गरीब यतीम बच्चों की आला तालीम के सिलसिले में एक आइडिया दिया, बल्कि आइडिया ही नहीं दिया बल्कि वसाइल भी हमें प्रोवाइड कर दिया, वसाइल भी हमें दे दिया। और अभी तक हम मतलब सालाना कोई यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में चित्राल के ऊपर फोकस किया हुआ है, वो 50% से 80% 100% तक फीस माफ़ करके चित्राल के गरीब यतीम बच्चों को आला तालीम में मदद देते हैं, यानी फैसिलिटी देते हैं। तो जब हमें ये पहली दफ़ा जो है आर्मी द्वारा जिस तरह अतीत साहब ने डिटेल बताया कि ये DIG SPR वाले और 2021 से ये प्रोग्राम फ्लाइट ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, जो गुमनाम हीरे जो काम कर रहे हैं, इंसानियत की खदमत कर रहे हैं, उनको ट्रेस कर लें, ट्रेस करने के बाद उनको फैसिलिटेट कर लें, उनको लिंकेज डेवलप कर लें, उनको यहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में अच्छे अच्छे वो जगहों पर उनको ले आएँ और सपोर्ट दे दें, उनकी रहनुमाई कर लें। ये मैं DIG SPR वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने चित्राल के अंदर दूर दराज इलाकों के अंदर हमें ट्रेस कर दिया और हमें हौसला दी और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया और हमें हौसला दिया। ये मैं फौज को मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं DIG SPR वालों को सलाम पेश करता हूँ, ताकि हम जो खुदा के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए जो हम कर रहे हैं तो मतलब ये फिर ये इंसानों को भी पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मुआशरे को भी पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। और ये अल्लाह ताला की रजामंदी मदद ताउन अल्लाह के बंदों के साथ ताउन और मदद के नतीजे में हासिल होता है। अल्लाह ताला की रजामंदी ताउन और अल्लाह ताला की नुसरत ताईद अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत प्यार ताउन के नतीजे में इंसानों को हासिल होता है। हम चित्रालियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं जो अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए इंसानों की खदमत के लिए रास्ते बनाए हैं और प्लेटफॉर्म बनाए हैं, इदारे बनाए हैं और थोड़ा थोड़ा ये ताउन करके इस इदारे के साथ अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के काबिल हो जाएंगे और इंसानी खदमत हो जाएगा। इंसान अपने पाँव पे खड़े होकर इंसानियत की पाकिस्तान की इस्लाम की खदमत करेगा। मैं एक बार फिर इश्तियाक साहब का उसकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो चित्राल से यहाँ आकर PC होटल
प्रीति होटल पिंडी में हमसे मिले और हमारे इत्तेहाद को आप तक पहुंचा दिए, पैगामात को आप तक पहुंचा दिए, थैंक यू। आप जिनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी लेवल तक आपकी तरफ से उनके साथ कोऑपरेशन होता है, तो जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फाइनेंशियल मसाइल की वजह से तालीम के जेवर से महरूम रह जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो ओवरऑल जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है ना कि ये जो भी है वसाइल की कोई कमी नहीं है, इंसान मेहनत करे, टैलेंटेड हो जाए, टैलेंटेड मतलब पढ़े, आगे बढ़ने की कोशिश करे, और आगे बढ़ने के लिए जब बढ़ने की कोशिश करे, कदम उठाएगा तो इसमें अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं। और जो बच्चे फाइनेंशियल कमज़ोरी की वजह से पढ़ते नहीं, पढ़ें। मैं तालिब बच्चों को ये वो करता हूँ कि वो मुताले पर फोकस करें, किताबों के साथ मोहब्बत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, मुकाबले में आ जाएं और वसाइल रास्ते अल्लाह ताला फराहम करेंगे और इसमें हमारी मदद भी शामिल हाल हो जाएगी, हम भी कोशिश करेंगे। हम मुकामी डोनेशन के ज़रिए से ये काम करते हैं, हम कोई बड़ा इदारा नहीं है जो करोड़ों अरबों रुपये लेके ये काम करें। जो 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 तालिबेलों हमारे पास आते हैं, हम कम्युनिटी के पास जाते हैं, किसी का मसला हल हो जाता है या नहीं हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं ना हम चित्राल की कम्युनिटी से। ये मेरी खुशकस्मती है कि चित्राल में सारी कम्युनिटी मेरे साथ मोहब्बत करती है, ताउन करती है, जो मैं इनसे ताउन चाहता हूँ वो फराहम करते हैं। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और चित्राल के तालिबेलों से गुजारिश है कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ताला इनको रास्ता भी मिल जाएगा, मंजिल भी मिल जाएगा। और जब मंजिल मिल जाए, जब मंजिल पर पहुँच जाए, तो ये पाकिस्तान की, इस्लाम की, इंसानियत की, अपने वालदान की और माशरे की खिदमत करेंगे और पॉजिटिव किरदार अदा करें, नेगेटिव किरदार से नेगेटिव सोच से अपने आप को बचाएं। थैंक यू।